हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मुंबई सेंट्रल घुमाने लगी थी। आप देख सकते हैं मुंबई सेंट्रल में हूँ मैं अभी स्टेशन के पास। आज मैं आपको लोकल ट्रेन की सैर भी करवाऊंगी। तो चलिए पहले कुछ खा पी लेती हूँ मैं ज़रा। मैं सुबह आते समय वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी और ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन अब आपको मैं मुंबई सेंट्रल घुमाती हूँ, लेकिन वैसे पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर। हाँ, तो ये देखिए, ये मराठा मंदिर आपने बहुत सुना होगा, मराठा मंदिर थिएटर का नाम मुंबई में। ये मुंबई का मराठा मंदिर है, आप देख सकते हैं ये पूरा, ये देख सकते हैं आप। तो अभी हम खाने के लिए आ चुके हैं, पहले मैं गन्ने का जूस पीऊंगी फिर कुछ खाऊंगी। भैया एक बना दीजिए बिना बर्फ का, डिस्पोजल में। ये देखिए पूरा ये खाने की लाइन है, इस लाइन में अभी मैं खाने वाली हूँ। जूस पी लेती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा 5 मिनट बनने के लिए। यहाँ से मैंने समोसा ऑर्डर किया है और ये मेरा समोसा आ भी गया है। ये देखिए मुंबई का समोसा, तो मैं खाती हूँ, ठीक है? आप तब तक थोड़ा वेट करिए। ये देखिए मैं आपको मुंबई की टैक्सी दिखाती हूँ। ये मुंबई की टैक्सी होती है इस तरीके की, ये मुंबई सेंट्रल में मुंबई की टैक्सी। अभी मैंने सब कुछ खा लिया है यहाँ से, जो खाना था गन्ने का जूस समोसा। अब ये देखिए मुंबई की सड़कें देखिए आप। मुंबई घूमने के साथ साथ मुंबई की सड़कों को भी इंजॉय करिए, जो कि बहुत बेहतरीन है। लोग कहते हैं कि गांव में सड़कें नहीं है, लेकिन मुंबई में सड़कों में गड्ढे हैं और या गड्ढे में सड़क है, ये आपको समझ ही नहीं आएगा। चलो मैं आपको स्टेशन तक लेके चलती हूँ, मराठा मंदिर के सामने से। मैं इधर खाने के लिए आई थी, मैं अपने किसी काम से आई थी मराठा मंदिर के पास, मेरा काम हो गया, मैं वापस घर जा रही हूँ और आपको अपने साथ घुमा रही हूँ, ठीक है? तो मुंबई सेंट्रल का चौक है मराठा मंदिर के पास का। चलो अब हम इधर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, ये देखिए आप। और इसकी वजह से ना ये लोहे का ब्रिज बनाया हुआ है, यहाँ पे इतनी आवाज़ करता है ना ये, इवन तो इस पर चलने में भी डर लगता है। देख रहे हैं आप, ये ऐसा ब्रिज बना है। ये मराठा मंदिर से नेक्स्ट में रिजर्व बैंक है, मैं आगे घुमाती हूँ। पुलिस की वैन है सामने, रिजर्व बैंक है। और इस ब्रिज पे तो मुझे चलने में भी डर लग रहा है। देख सकते हैं आप मुंबई की कितनी सारी टैक्सीज यहाँ पे आ रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ये नेक्स्ट टू मराठा मंदिर के आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक स्टेशन के पास, मुंबई सेंट्रल स्टेशन के पास में मराठा मंदिर है। तो ये पास में एक दांतों का हॉस्पिटल भी है, जो कि मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इस कंस्ट्रक्शन के काम को चलते न जाने कितने साल हो गए हैं, पर ये अभी तक कंप्लीट होने पर नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा मुझे तो बन क्या रहा है। कोई फ्लाई ओवर बन रहा है शायद, कई सालों से, मैं जब से यहाँ से आ रही हूँ तब से कम 3-4 साल से ये काम चालू। देख सकते हैं पूरा कंस्ट्रक्शन का काम, इसकी वजह से ब्रिज बनाया हुआ है जो पूरा हिलता झाड़ 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 झाड़। इस पर चलने में भी मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। पूरा सब ऐसी तैसी हो रखी है सड़कों की। हाँ, हम स्टेशन वाली रोड पे पहुंच चुके हैं, मैं आपको सीधा यहाँ से स्टेशन तक ले चलूंगी। आप सड़कों की हालत देखिए, मुंबई की सड़कें, आपका वहीं से दिल भर जाएगा अगर आप मुंबई आने का सोच रहे हैं। बारिश के मौसम में तो बिल्कुल मत आइएगा प्लीज़, इतनी बुरी हालत रहती है सड़कों की। और वैसे भी यहाँ की सड़कों की हालत ऐसी ही रहती है ऑलवेज़, आप देख सकते हैं। सुबह आज बहुत दिन से यहाँ बारिश बंद थी, आज ज़रा सी बारिश हुई है, कुछ हल्की फुल्की आधे एक घंटे लगभग बूंदाबांदी टाइप, जिसमें देखो ये हाल मुंबई की सड़क। ये देखो सुबह तो यहाँ और ज़्यादा यहाँ तक पानी भरा था आगे तक, अभी तो धूप निकल आई है तो थोड़ा कम हो गया है पानी। बस हम स्टेशन पहुँच ही गए, स्टेशन पहुँच ही गए।
ग्रीनरी बहुत मिलेगी आपको मुंबई में, देखिए हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, ग्रीनरी की कोई कमी नहीं है। शायद इस ग्रीनरी के ऊपर ही मुंबई का प्रदूषण टिका है। पूरा बिल्डिंग देखिए, इतनी ऊंची बिल्डिंग मैं आपको दिखा, देखिए अपनी मेहनत। अरे मैं आपको स्टेशन लेके चलती हूँ। ये स्टेशन के मेन गेट पे हम पहुँच चुके हैं। ये मुंबई सेंट्रल स्टेशन है, जब हम एंट्री लेंगे यहाँ से। एक एम्बुलेंस खड़ी है, पता नहीं किसी को शायद कुछ हुआ है। एम्बुलेंस खड़ी है, इधर सफाई भी चालू है। और हम यहाँ से एंटर करेंगे। इतनी अच्छी पेंटिंग यहाँ पे बनाई हुई है दीवारों पे। और यात्रियों के लिए सुख सुविधा केंद्र वेटिंग हॉल इधर है। ट्रेन के बोर्ड्स लगे हैं। काफ़ी बड़ा स्टेशन है दोस्तों, देख सकते हैं नदी। अभी मैं अंदर एंटर कर रही हूँ स्टेशन के। पुलिस वाले बैठे हैं अंदर, बाकी हमें सीधे जाना है। ये पूरा स्टेशन आप देख सकते हैं, पूरा स्टेशन काफी बड़ा है, काफी बड़ा मुंबई सेंट्रल स्टेशन है। इतना बड़ा वेटिंग हॉल है, वेटिंग एरिया है, पूरी ट्रेन्स खड़ी हुई हैं इधर। ये ट्रैक्स हैं उधर, मुझे उस साइड तो जाना नहीं है, उधर कोई काम नहीं। यहाँ पे बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, कुछ भी सकते हैं। बस अब हम बाहर निकलेंगे स्टेशन से। मैंने आपको लगभग पूरा स्टेशन दिखा दिया है। बाहर निकलेंगे, मीन्स बाद में प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे। मैं आपको लोकल ट्रेन की सैर करवाऊंगी। ये ट्रैक पूरा खाली पड़ा है क्योंकि दोपहर का समय है। वैसे तो इतना भी खाली नहीं रहता है, कोई ना कोई तो आ ही जाए। स्टेशन पहुंच गए हैं लगभग हम, बस प्लेटफॉर्म पे पहुंचने वाले। एक और ट्रैक लगभग पहुंच ही गए। ये टिकट की मशीन है यहाँ पे, रेड कलर की जो आपको दिख रही है। इसमें ऑटोमेटिक आप डेली ट्रेवल करने वालों के लिए, या आप ये जो QR कोड देख रहे हैं इससे भी आप टिकट निकाल सकते हैं। और विंडो पे तो टिकट मिलती है। साइड में टिकट घर है, पर हमने टिकट ऑलरेडी लिया हुआ है। यहाँ पे आने जाने की टिकट एक साथ मिल जाती है, रिटर्न टिकट बोलते हैं। रिटर्न टिकट है मेरे पास, तो अब हम प्लेटफॉर्म पे पहुँच रहे हैं। यहीं से हम ट्रेन पकड़ेंगे मुंबई सेंट्रल स्टेशन, और बस आपसे फिर प्लेटफॉर्म पे मिलती हूँ मैं। सोचा कि आपको ऊपर से नज़ारा दिखा दूँ कि देखो ये ब्रिज पे, से मैं भी ब्रिज पे हूँ, और ये कैसे यहाँ पे ट्रेन्स खड़ी हैं। ये लोकल ट्रेन इधर से जा रही है, ये अगला ब्रिज है, सब मैं आपको दूर से दिखा दूँ। ब्रिज एलिवेटर और लिफ्ट की सुविधा हर स्टेशन पे नहीं है। जहाँ कहीं भी है तो बहुत एकाध है, तो हर जगह अवेलेबल नहीं है। इतने बड़े स्टेशन पे एलिवेटर, उसके लिए लिफ्ट के लिए भी दूर तक चलना पड़ता है, तो उससे बेटर है इतनी देर में हम सीढ़ियों से ही पहुँच जाएंगे। सॉरी मैं गलत जगह पे आ गई, मुझे वापस जाना पड़ेगा।
प्लेटफॉर्म पे। मुझे बोरीवली की ट्रेन लेनी है क्योंकि मुझे जोगेश्वरी उतरना है, इसलिए मुझे इधर से ही उतरना पड़ेगा। अब मैं सही स्टेयर्स पे आई हूँ। बात करते करते मैं गलत स्टेशन पे जाने वाली थी। अभी मैं सेंट्रल स्टेशन पे पहुँच गई हूँ, मीन्स प्लेटफॉर्म पे पहुँच गई हूँ। तो मैं भी ऐसे ही लोकल पकड़ने वाली हूँ यहाँ से। ये देखिए लोकल जाती है। अभी हमें ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी शायद, उम्मीद करती हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम है। लेकिन जब सुबह आई थी तो इतनी भीड़ थी कि मैं फ़ोन निकाल के ब्लॉग भी नहीं बना सकती थी। आप देख सकते हैं अभी भीड़ बहुत कम है। मुंबई की इस भीड़ को कम ही बोला जाता है। ये दूसरी ट्रेन आ गई है, लेकिन ये चर्चगेट जाएगी। हमें तो हमारी ट्रेन भी आ चुकी है, इसमें बैठेंगे हम अभी। देखिए ऐसे डिस्प्ले होता है यहाँ पे ट्रेन जब आती है तो। ये वाइट कलर में जो दिख रहा है, कुछ कैमरे में वो ठीक से कैप्चर नहीं हो पा रहा है। लिखा रहता है बोरीवली स्लो, ऐसे लिखा रहता है। अभी मैं ट्रेन में चढ़ूँगी, मैं चढ़ गई हूँ। ये देखिए भीड़ में, मैं भी चढ़ चुकी हूँ। मैं दोस्तों अभी हम मुंबई सेंट्रल से निकले थे और महालक्ष्मी अभी पहुँच चुके हैं। महालक्ष्मी स्टेशन है, दूसरी साइड ज़्यादा कुछ नहीं है। महालक्ष्मी पहुँच चुके हैं। महालक्ष्मी पे इतनी भीड़ नहीं है ट्रेन में, आज ट्रेन खाली है तो ज़्यादा कोई उतरने चढ़ने वाला है नहीं। बट थोड़े बहुत लोग तो चढ़ेंगे ही, मुंबई है आखिर। मैं आपको अपने साथ साथ मुंबई घुमा के ही मानूंगी, बस आप देखते जाइए, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो आपको पूरा मुंबई घुमाने के चक्कर में मेरी वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो अलग डालूंगी और लॉन्ग वीडियो अलग डालूंगी। जो शॉर्ट वीडियो देखना चाहे वो शॉर्ट भी देख सकता है, जो लॉन्ग देखना चाहे वो लॉन्ग भी देख सकता है। अब यहाँ से ट्रेन निकल गई है, हम अगले स्टेशन पे दोस्तों। पुढ़े स्थान लोअर पर सुना, अपने मराठी में लोअर बरेल बोल रही है। पुढ़े स्थान लोअर बरेल। ये धोबी घाट देखिए, कपड़े धुल के टंगे हुए हैं। सारी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, मुंबई में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा ही चलता है, हर चलता ही रहता है। अगला स्टेशन लोअर बरेल है तो हम वहाँ मिलते हैं। ये देखिए मांगने वाली है, ये यहाँ पे बड़ा आम है भीख मांगना सिग्नल पे ट्रेन्स में। ये लोग कुछ काम करते नहीं है, अच्छी दिख रही है, चाहे तो काम कर सकते, लेकिन इनको बस भीख मांगनी होती है। अगर आपका शरीर हष्ट पुष्ट है तो मैं चाहती हूँ कि आप भीख मांगने से ज़्यादा काम करें। सब समझदार हैं, हष्ट पुष्ट इंसान को देख के कोई भीख नहीं देता है। छोटा मोटा काम भी कर सकती है, या कट नहीं करना भी के मामले में क्या कर सकते हैं। हाँ अभी लोअर परल स्टेशन पहुँच चुके हैं। ये लोअर परल स्टेशन है और अब मेरे पास भी आएगी है। एक ट्रेन और खड़ी है सामने, निकल गई है ट्रेन। प्रभा देवी स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो ये प्रभा देवी, कुछ काम करो, काम किया करो, कुछ हम करते हैं। हिंदी आता तो है आपको, आप बोल रहे थे हिंदी नहीं आता। बात आता तो काम करो, कुछ ये मत करो, छोटा मोटा काम करो। आप अच्छे हट्टे कट्टे हो, काम करो। प्रभा देवी स्टेशन पे है, मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे हम लोग।
प्रभा देवी के बाद हम दादर स्टेशन भी पहुंच चुके हैं, देख सकते हो दादर स्टेशन। और दादर स्टेशन पे काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन अभी तो दोपहर का टाइम है तो ये जितनी भीड़ है ये भी कमी है। स्टेशन बहुत बड़ा है बहुत, मैं ट्रेन में से आपको पूरा तो नहीं दिखा सकती, फिर कभी पूरा घुमाऊंगी, लेकिन अभी आप इतना देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है भीड़ आप देख सकते हैं। अभी हम लोग बांद्रा पहुँच चुके हैं और ये बांद्रा का स्टेशन है, बांद्रा का स्टेशन है, अभी ट्रेन चल भी रही है यहाँ से। ऐसे लग रहा है इनका कोई ख्याल नहीं रखता है, ना कोई ठीक से खाना नहीं देता है, लेकिन आप चलिए मिलते हैं अगले स्टेशन पे। ट्रेन यहाँ से थार रोड से निकल चुकी है और हम बस देखते चलिए नज़ारा। हाँ मैंने बोला था अगले स्टेशन पे मिलते हैं, लेकिन मैं वहाँ थोड़ा दिखा दूँ आपको पूरी स्थानीय देखें, मुंबई की बड़ी बड़ी स्टेशन है, बड़ा स्टेशन है और बहुत क्राउडेड रहता है, लेकिन इस टाइम दोपहर का टाइम है तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, बट बिल्कुल खचा खच दादर की तरह ही अभी भरा हुआ रहता है। लेकिन हाँ ये मुंबई का काफ़ी बड़ा स्टेशन है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको दिखाई दे। आप देख सकते हैं अभी तो दोपहर का टाइम है तो इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन वैसे यहाँ देर है, ट्रेन रुकी है, साइड भी आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो मुझे मेरा जो अगला स्टेशन है इसके बाद ही आने वाला है, तो मिलते हैं मेरे स्टेशन पे जोगेश्वरी वेस्ट। ठीक है दोस्तों, स्टेशन आ चुका है जोगेश्वरी, बस उतरना है यहाँ। अंकल उतर गए हैं, ट्रेन अभी रुकी नहीं है पूरी, रुकेगी तो मैं उतरती हूँ। जोगेश्वरी स्टेशन है, इतनी भीड़ तो यहाँ कॉमन है, इतनी भीड़ तो सब जगह हर टाइम है, पर जब सुबह और शाम के टाइम देखेंगे तो पैर रखने जगह नहीं होती ना ट्रेन में ना स्टेशन पे, इतनी भीड़ होती है, बस धक्का मुक्की करके जैसे तैसे लोग यहाँ पे चल पाते हैं, निकल पाते, चढ़ उतर पाते। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ ऑफ मुंबई इन लोकल ट्रेन्स। वैसे भी डिफ़िकल्टी है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ है मुंबई में तो वो है लोकल ट्रेन। गई ये ट्रेन भी, ये बोरीवली तक जाएगी, हमारा घर तो बीच में था तो हम उतर गए। चलो मैं आपको जब रिक्शा लूँगी तब वापस मिलती हूँ। मैंने रिक्शा ले लिया है और अभी बस हम इस रिक्शा से 15-20 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। ट्रैफिक नहीं हुआ तो 15-20 मिनट, और अगर ट्रैफिक हुआ तो आधा घंटा भी लग सकता है। ये जोगेश्वरी वेस्ट में हूँ मैं,
है लिंकिंग रोड पर, जो कि अंधेरी जोगेश्वरी और गोरेगांव के बीच में है। मैं तीनों एरियाज के बीच में रहती हूँ ना, कमाल के बाद 100 कदम चलूँगी अंधेरी में घुस जाऊँगी, फिर 100 कदम चलूँगी गोरेगांव में, 100 कदम चलूँगी फिर जोगेश्वरी वेस्ट। कुछ ऐसा है।